ओके आई नो कि अब तक शायद तुम इस टॉपिक पे 500 वीडियोस देख चुके होगे, बट ट्रस्ट मी ये वाली अलग है बिकॉज ये वीडियो मैं इस शो को दो बार देखने के बाद बना रहा हूं अनफॉर्चुनेटली। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं इन लोगों के एकदम नकली फेकू हवाबाजी वाले इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी लोग जानते हैं मुझे रिस्टार नाम से और जोकर नाम से भी जाना जाता हूं मैं। भाई आई डोंट थिंक ए जोकर ओ जोकर अबे ओ जोकर इधर आ, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ऐसे बुलाया जाना कोई प्राउड होने वाली बात है। बट आई अप्रिशिएट कि इस बंदे को जब टैलेंट दिखाने को बोला गया तो इसने ऐसी शक्ल बना के नहीं दिखाई, सिर्फ इसने एक्चुअल में अपना लिखा हुआ एक गाना गाया, पर वो गाना अब खुद ही देख लो। ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर, ना बनूंगा किसी का मैं नौकर। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मत बन किसी का नौकर, किसी ने बोला है तेरे को। और एक मिनट, तुम लोग तो खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो और फिर बाद में भूल जाते हो, उसका क्या बे? Hi guys, my name is Deepak and मैं लोगों को हंसाने के लिए फेमस हूँ, मतलब लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। हाँ तो भाई शो में भी थोड़ा हंसा लेता, वहाँ तो खड़े होके तू ये बकलोली कर रहा था। वक्त के साथ बदलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलो। भाई तूने क्या बदला है क्या नहीं आई डोंट नो, बस ये बता दे कि हमसे किस बात का बदला निकाल रहा है ऐसी बोरिंग बातें करके। अबे इससे ज्यादा टैलेंट ना रोडीज और स्पिट्सविला के छपरी कंटेस्टेंट्स में होता है, इससे अच्छा तो तू वहां पे अपना कोई पुराना टिकटॉक ही रिक्रिएट कर देता। अरे दीदी मजाक में बोला था, आप तो सच्ची में अपना वो क्रिंज इनटू 100 सा घटिया वाला ट्रेंड रिक्रिएट करने लग गए वहां पे, वो भी बिना फिल्टर के। ऐसे स्टंट्स मत किया करो यार, डर लगता है। देखो वैसे तो हवाबाजी ना टिकटॉकर्स के खून में होती है, पर इस शो में तो इन लोगों ने इतनी लंबी लंबी बातें पा दी है कि उसकी स्मेल ना यहाँ तक आ रही है। मैं फेम हाउस में आ रही हूँ, बहुत सारे ड्रामा होंगे, मोमेंट्स होंगे, चटपटी बातें होगी। कुछ Absolutely कुछ नहीं किया इस बंदी ने पूरे शो में ऐसा चटपटा इंट्रो देने के बाद। और एक तो ये चटपटा फटपटा क्या होता है, अबे इंट्रो है कि गोलगप्पे। और यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ फन बिकॉज क्वीन स्वाति जो जा रही है फेम हाउस पे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इतना फोकट का कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं ये लोग। तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, अब देखो कितना मसाला आएगा और मेरे टैलेंट का जादू आप लोगों को बहुत पसंद है। एंड एज यू कैन इमेजिन इस बंदे ने भी पूरे शो में कुछ नहीं करा, बस हाँ एक बार वॉकआउट जरूर कर गया था, पता नहीं क्या कोई चोमू सा रीजन देके। अरे मैं यहाँ के वीडियोग्राफर हूँ क्या, यहाँ पे सबकी वीडियो बनाते रहूँ। ज्यादातर तारिक शूट कर रहा है। मैं भी तो कितना शूट करता हूँ। तारिक करता है। ऐसे करते हो, तारिक शूट करता तो मैं शो में हूँ ही नहीं, जा रहा हूँ। सच्ची मैं ना जानना चाहता हूँ कि ऐसे चौड़े में वॉकआउट करके जाने के बाद वहीं आगे बैठने में कितनी शर्म आती होगी। ओ वेट एक मिनट, ये लोग तो टकाटकर्स हैं, इनको शर्म कहाँ। अरे यार ये तो शर्म उसी दिन भूल गए थे जिस दिन इन्होंने टकाटक पे अपना अकाउंट बनाया था। और हर एपिसोड में ना एक बार ऐसा जरूर लगता है कि टकाटक वाले जबरदस्ती ऐसे इनकी गुत्थी पकड़ के बुलवा रहे हैं इनसे ये चीजें। फेम हाउस का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है फर्स्ट थिंग, कि अभी तक इंडिया में किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया है किसी भी एप्लीकेशन में। हाँ हाँ कर लो जितनी चापलूसी करनी है उतनी कर लो, पर मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि इससे चिंदी शो वाले ना मैंने आज तक नहीं देखे, साला मतलब गिफ्ट हैम्पर तक नहीं देते लोगों को। बाय द वे विशाल, yes? आज आपने बनाए हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा टकाटक, उसके लिए आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। अभी आऊं। अबे कंजूसो हैम्पर की बात ही क्यों की, जब देना नहीं था कम से कम एक 10 रुपए का टकाटक ही दे देते इन लोगों को। पर इन लोगों को मैं बोलूं क्या भाई, जिन लोगों ने पूरे सीजन का विनर अनाउंस करने पे एक वो क्या होता है वो फुलवाड़ी सा वो पार्टी पॉपर वो तक नहीं बोला, उनको क्या बोलूं मैं। विशाल इज नाउ डिक्लेयर्ड एज द फेम क्रिएटर ऑफ दिस सीजन, एवरीबॉडी रेड फॉर आई स्वेयर। दस्त लगने पे जो खिचड़ी खाने को मिलती है ना उससे भी फीका फिना लेता है इनका। पर चलो कम से कम 2 लाख रुपए तो दिए विनर को और 500 मिलियन की रीच, मतलब समझ रहे हो अब ये बंदा जो वीडियो डालेगा ना टकाटक पे वो वायरल हो जाएगा। फिर तो अच्छा है कि ये नहीं जीता, मतलब सोच के देखो पूरे देश के बच्चे इसके वीडियोस देख देख के इंस्पायर होके टेढ़े टेढ़े मुंह बना के घूमते ऐसे। अब बात करते हैं इस शो के और भी अतरंगी टकाटकर्स की। हाँ अभी और भी नमूने हैं, चाहे कोई भी सामने आ जाए बट मेरे लिए तो यही होता है। अगर सामने ऋतिक रोशन भी आ जाए ना तब भी मैं इन्हीं को ही हॉट बोलूंगी। नहीं नहीं एक्चुअली मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा था, ये दोनों तो बेचारे ऐसे लगते हैं कि गलत शो में आ गए बिकॉज इनके पास एक्चुअल में टैलेंट है। मैं बात कर रहा था इन दोनों की
जो कि फेम हाउस की राखी सावंत और अर्शी खान है। Hi, we are Rush twins. और ये दोनों एक्चुअल ट्विंस हैं, ये प्रूव करने के लिए ये सारी बातें साथ में बोलती हैं। उसमें एफर्ट्स डाले थे। एंड ट्रस्ट मी इट गेट्स वेरी अनोइंग, क्योंकि एक तो ये पहले ही अनोइंग है, ऊपर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके सिग्नल भी आगे पीछे होते रहते हैं। फाइनली गोवा जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद, और कभी कभी तो ये होता है वो बहुत रैंडम था और बहुत ही ऑन द पॉइंट। इनको देख के ना मेरे सर दर्द होने लग गया, और हमें पता है कि ट्विंस साथ में नहीं बोलते, हमने जैक और कोडी को देखा है यार, तो चुपचाप अपना टैलेंट दिखाओ और निकलो। ओ ये हां ऐसे 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 यो डिश के हूं ओहो ओ ये ए हाय ए हां ये ए ऐसा डांस तो कोई भी कर सकता है यार, इतना क्या सर पे चढ़ा रखा है इन दोनों को। वैसे ऑनेस्टली इस शो में तो सबने एक दूसरे को सर पे ही चढ़ा रखा है। अबे एक कप में एक बॉल ही डाली है उसने, टिकटॉक इंडिया में वापस नहीं ले आई है वो जो इतना खुश हो रहे हो तुम लोग। और इस बंदी की तो मैं क्या ही बात करूं, ये क्या और क्यों बोलती है मेरे आज तक समझ नहीं आया। मैं जैसी भी हूँ ऐसी हूँ, लाइक बबली हूँ, मैं अपने आप में रहने वाली लड़की हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और दीदी जी की एक्टिंग भी एकदम हाई लेवल है। मुझे पता था आपका अफेयर चल रहा है, आपने मुझसे झूठ बोला। हां इट्स ओवर, ब्रेकअप, जाओ यहां से कभी मेरे सामने। सॉरी गाइस, मैं हूं विश। अबे तुम टिकटॉकर्स हो, जबरदस्ती की इमोशनल एक्टिंग ही तो एक चीज है जो तुम्हें आनी चाहिए, अब तुमसे वो भी नहीं हो रही। खैर शो को जो चीज चाहिए वो तो तुम अच्छे से दे ही रहे हो ना। लड़ाइयां ले लो, पूरा शूट कर लो ना, अब तो बस यही करना है। हाँ एक लाखों के कैमरे को एक करछी फेंक के मारती हुई लड़की से ऐसा हल्का सा हाथ लगा के ही तो बचाते हैं, कितना रियल लग रहा है ना। मतलब एक्टिंग तो दीदी से हो नहीं रही है, ऊपर से शो की होस्ट पीछे खड़े होके हंस रही है। अब ऐसा लो, अगर स्प्लिट्सविला को कॉपी कर रहे हो तो कम से कम ढंग से तो करो, होस्ट की तो इज्जत कर लो कम से कम। ऐसे सबको एक साथ हॉल में बिठा के खाना नहीं खिलाते वो, कभी देखा सन्नी लियोनी? हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। अबे ये वाला सन्नी लियोनी नहीं, ये सन्नी लियोनी। कभी देखा इसको कंटेस्टेंट के साथ बैठ के शाही पनीर नान और दाल मखनी लपेटते हुए? एक चीज तो अच्छी है तुम्हारे शो में, तुम्हारी होस्ट, रिस्पेक्ट हर। एक्चुअली देखा जाए तो पूरे शो में बस दो ही लड़ाइयां हुई हैं, एक विश की जो कि पता नहीं कैसा नाम है, और दूसरे एक ये क्या रिक्शा I don't know, इसका भी नाम क्या है। इज्जत मिलेगी। अरे आराम से उसकी लेंगे। अबे तू चल। तू निकल। यार मेरे को ना ये चल तू चल अबे जाना, ये वाली लड़ाइयां ना बिल्कुल नल्ली लगती हैं एकदम। मतलब कुछ एक्चुअली गंदा संदा बोलो जिसे हमें सुन के स्वाद आए, पर वो तक नहीं हुआ इनसे। और वैसे तो कहा जाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, पर इस उल्टे शो में दो लड़ाकू टकाटकर्स को ही आपस में प्यार हो जाता है, और दो दिन में इनका प्यार प्रपोजल सब हो जाता है, और प्रपोजल के टाइम पे ये दीदी रोने लग जाती है। क्या हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। अब किसी और लड़की से करवा लेते एक्टिंग, इसी से करानी है सारी जिससे हो भी नहीं रही है, और फिर ये दोनों डांस करने लग जाते हैं। पर इनका बजट तो कम है ही, तो गाना प्ले करने की जगह ये अपने छपरी कंटेस्टेंट्स को ही बोल देते हैं गाने को। I swear, इतना थकेला शो है ना कि क्या बताऊं। कॉन्सेप्ट इनका चोरी का है, टास्क इनके एकदम नल्लो वाले होते हैं, डांस इनके बिना इफेक्ट्स के टट्टी लगते हैं, शक्लें इनकी बिना फिल्टर के पहचानी नहीं जाती, और ऊपर से कंटेस्टेंट्स इनके एकदम ऑकवर्ड और बोरिंग है। ऑनेस्टली आई एम डन। इस शो को देखने से अच्छा ना तुम इन कंटेस्टेंट्स के वहां के व्लॉग्स देख लो, पर यू नो व्हाट, इससे भी बेटर क्या रहेगा, तुम मेरे व्लॉग्स देख लो मेरे सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन इधर होता है, इधर होता है। इनफैक्ट अगले ही व्लॉग में मैं इस वीडियो के थोड़े बिहाइंड द सीन्स वगैरह डालने वाला हूँ, सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब। और हाँ, इस वीडियो के लिए दिस वॉज इट। मतलब ऑनेस्टली यार, इतना नल्ला शो देख के मैं मतलब ये गाना वाना बनाऊँ यार मेरे से नहीं होता। अगर तुम्हें गाने वाने देखने हैं तो लास्ट वीक का जाके रिवाइंड वीडियो देख लो, रिवाइंड 2020, उसमें बहुत सारे गाने हैं। बट आज दिस शो इट्स नॉट वर्थ इट, तो मैं भी आज ये टिकटॉकर्स से इंस्पायर हो, सॉरी टकाटकर्स से इंस्पायर होके ऐसे ही नल्ले तरीके से, आज मैं नल्ले कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं ना, ऐसे ही नल्ले तरीके से आई विल कट लाइक कट।
एंड दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। ऑल्सो शिवम थिंक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई एम गोना व्लॉग वेरी फ्रीक्वेंटली देयर, ऑलमोस्ट एवरी वीक या एक वीक से थोड़ा सा मतलब पहले, जैसे ऊपर नीचे हो सकता है, तुम्हें पता है मेरे साथ हो ही जाता है ऐसा। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन शिवम थिंग्स। टिल देन, बाय बाय।